स्टफिंग। यहाँ यह शख्स इस अनानास को छीलने का काम कर रहा है। इस अनानास के ऊपर और नीचे के भाग को इस मशीन के पहले भाग से काट देने के बाद दूसरी मशीन में रखा जाता है। ऊपर से इस मशीन के हैंडल को खींचकर इस अनानास के अंदर वाले भाग को छिलके से अलग कर लिया जाता है। आगे वाली मशीन में तारों वाले कटर के द्वारा इस अनानास के टुकड़े कर ट्रे में धकेल दिए जाते हैं। यह मशीन इसलिए भी उपयोगी बन जाती है क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा काम हाथ से बल लगाकर कर लिया जाता है और वह भी काफी जल्दी।